दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाके किसी भी खाद्य की सूची यानी राशन कार्ड की सूची आप कैसे निकाल सकते हो, अपने एरिया वाइज जिला वाइज कैसे आप निकाल सकते हो। सभी स्टेट का मैं बताने वाला हूँ कैसे निकाला जाता है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारे प्रोसेस में आज आपको बिल्कुल हिंदी में काफी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों राशन कार्ड सूची को देखने के लिए चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सिंपली आपको कोई भी एक अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का यूज करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं सारा प्रोसेस। काफी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद काफी अच्छे से आप किसी भी स्टेट किसी भी एरिया का राशन कार्ड सूची आप अपने घर बैठे ही फोन से निकाल सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च करना है UPFCS। ओनली UPFCS सर्च करने के बाद उसे टैप कर दीजिए। टैप करते ही कुछ इस तरीके का आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पहला वाला वेबसाइट है UPFCS UP Government.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ये न्यू टैब ओपन होगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोरोना से कैसे बचे कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी दूसरे वेबसाइट का यानी किसी भी दूसरे प्रदेश का अगर आप चेक करना चाहते हैं, सिंपली आप उसके UPFCS के आगे उस प्रदेश का नाम डाल देंगे तो आपको दूसरे प्रदेश का भी देखने को मिलेगा राशन कार्ड यहाँ पर। अब यहाँ पर जो NFSS की पात्रता सूची है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूपी पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हो, सिंपली आपको यहाँ पर उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको उस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते ही जैसे ये टैब आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप जानते होंगे कि अगर आपका शहरी इलाका है तो टाउन हिसाब टाउन वाइज इसे बांटा गया होगा। अगर आप ब्लॉक यानी ग्रामीण इलाके में है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक के रूप में दिया जाता है। आप चेक करके जो भी आपका एरिया हो उस पर टैप आपको सिंपली कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए आपके यहाँ के जो भी राशन वितरक होंगे यानी जो भी राशन वितरण करते हैं यानी सरकारी गल्ले के दुकान के ओनर जो होंगे उस एरिया का, उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप उस पर जैसे ही टैप करेंगे आपको वहाँ पर अपने एरिया वाइज के हिसाब से राशन के दुकान के मालिक के हिसाब से अपने एरिया में कौन वो भी है जो राशन का दुकान चला रहा है उसके नाम पे टैप करते ही आपका यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली है इसी तरीके से अगर ग्रामीण में हैं आप तो आपको यहाँ पर किसी भी जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पर सेम वही आपका गाँव का नाम आ जाएगा। आप उस गाँव पर टैप करिए जिस गाँव में आप हैं, यहाँ पर आपके कोटेदार यानी राशन कार्ड वितरक का भी नाम आ जाएगा, यहाँ पर उस पर टैप करिए आप। और यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं उसके अंडर कितने लोग आते हैं जो कि आपको राशन मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।